मसूर को और चावल को इकट्ठा भून लो, थोड़ा सा हल्का सा गरम कर लो 3-4 मिनट कढ़ाई में, और उसका पाउडर बना के रख लो। तो ये कितने टाइम से हो रहा है? रात से हो रहा है, गैस तो पहले से ही है। अभी तुरंत आराम के लिए पता क्या करो, अजवाइन पड़ी है घर पे, मेरी एक बात सुनो, अब सर्दी आने वाली है, सबको एक बच्चों को आंवला देना शुरू कर दो कि एक आंवला रोज खाना है कमजोर नजर में। आपको दाने पहले भी होते हैं ना? हो जाते हैं, तभी तो मुझे भी लगाती नहीं चेहरे पर। तो आप इसमें पता क्या करो, जैसे मसूर की दाल है ना, लाल वाले जो मसूर, मसूर को और चावल को इकट्ठा भून लो, थोड़ा सा हल्का सा गरम कर लो 3-4 मिनट कढ़ाई में, और उसका पाउडर बना के रख लो। सिर्फ उसमें रोज गुलाब जल मिला के लगाओ तो ये दाने निकलना बंद हो जाएंगे, और जो ये कालापन आ रहा है ना जैसे यहाँ पे, यहाँ ये कम हो जाएगा। अब इसको लगाना, इससे फिर दाने नहीं होंगे, क्योंकि ऑयली स्किन है। मसूर की दाल जो लाल वाली आती है, और चावल, कच्चे चावल, कच्चे चावल थोड़े तो आधी आधी मात्रा में ले लिया, आधी आधी कटोरी, एक कटोरी को कढ़ाई में गर्म कर लिया, कढ़ाई में गर्म कर लिया ना, वैसे चाहिए। तो बस उसका पाउडर बना के रख लो, उसमें गुलाब जल मिला के चेहरे पे लेप लगाओ, तो जो दाने आ रहे हैं वो भी वो हो जाएंगे, और कालापन ये भी चला जाएगा। आपको कोई दिक्कत है? हमारा कमर में दर्द होता है, इसीलिए ना बोलो कि हमारा कभी दवाई बता दीजिए कि थोड़ी कमर की दवाई क्या है अपना। हाँ कुछ करेंगे तो अपना दर्द कम हो जाए। मैं, आप कॉपी पेन लेना, मैं दवाई लिख दूंगी। लेकिन आप खसखस पता है क्या होती है? खसखस दाने जैसे, जैसे सरसों के दाने होते हैं ना, वैसे उतने छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको बाजार से ले आओ, उसका आधा आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना शुरू करो, बहुत आराम मिलेगा। जो हड्डियाँ कमजोर हो जाती है ना समय के साथ, वो कमजोरी भी कम होने लग जाएगी, और जो ये दर्द हो रहा है इसमें भी। और घर पे ना सिंपल तेल बना लो, सरसों का तेल ले लो, सरसों के तेल, उसमें ना उसको लोहे की कढ़ाई में गर्म करो, उसमें आपने लहसुन डालना है, हींग और अजवाइन, उसको अच्छे से भून लो जब तक वो पूरा काला नहीं पड़ जाता। फिर उस तेल को एक शीशी में रख लो, जब आप शीशी में उसको डालोगे उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के रख दो, रोज उस तेल को अपने कमर पे इस तरह से पूरा मालिश किया करो, बहुत आराम मिलेगा। और बाकी मैं दवाई लिख दूंगी, आप वो लेना, जितना दर्द है वो खत्म हो जाएगा उससे, ठीक है? और कितने समय से है कमर का दर्द? अभी 2-3 महीने ज्यादा वो काम पड़ गया था ना। हाँ उसी में दर्द होने लगा। तो आप यही शुरू कर दो जो मैंने खसखस वाला बताया ना, आप पंसारी से 100 रुपए की ले आओगे, इतनी सारी आ जाएगी, आधा आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, बहुत आराम मिलेगा, ठीक है? थोड़ी आँख में ना दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है आँख में? जैसे कि बाहर निकलते हैं ना तो जैसे रोशनी ज्यादा लगती है, मोतिया उतर रहा है। नहीं 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 अभी ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जैसे रिफ्लेक्शन से बोलते हैं चमक आती है ना, हां तो वो मोतिया में ही आती है, मोतिया बिल्कुल नहीं, जैसे ना नहीं बाहर निकलते तो जैसे लगते हैं ना कि आँख में जैसे कुछ उतर रहा है। आपकी आँख में नहीं उतर रहा, इनकी आँख में उतर रहा है, आपका नहीं, इनकी आँख में मोतिया उतर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो आप, जैसे की दिक्कत नहीं है अभी, तो ये कुल की दिक्कत नहीं है, जैसे ना बाहर निकलते हैं ना जैसे लगता है ना कि आँख में कुछ पड़ गया है। हाँ, धुंधलापन आता है या रोशनी ज्यादा लगती है? नहीं रोशनी नहीं ज्यादा लगता है, जैसे धूप पर थोड़ी थोड़ी होने लगता है, कभी कभी जैसे होने लगता है। हाँ, इसके दवाई हो तो आप बता दीजिए। अभी जैसे आप ना ऐसा होता है कि जैसे टीवी देख रहे हो या रोशनी है तो चमक लगती है आँखों में, ऐसे दो दो चीजें दिखती है, ऐसे होता है कि दो नहीं चमक चुभती है? वो जैसे बाहर निकलती हूँ ना। हाँ, तो जैसे लगता है कि थोड़ी अंधेरा जैसे होने लगता है। अंधेरा जैसे होने? हाँ। तो आंखें चेक करवाई हैं? दवाई तो ले आए थे यहाँ स्टोर से, आंख में डालने के दिए दवा। हाँ, दिए थे, वो खत्म हो गई है। तो अभी आराम है उसे? हमारा पोता है ना गिरा दिया, तो अभी आराम था उससे? हाँ आराम था, आराम था। पर आयुर्वेद में भी ना जैसे एक दवा आती है, गोली है, मैं आपको लिख दूंगी, ठीक है? ले आऊंगा। हाँ ले आओ। थोड़ा गैस हुआ था, लेटरिंग नहीं गया मैं, थोड़ा दर्द होने लगा। तो ये कितने टाइम से हो रहा है? रात से हो रहा है, गैस तो पहले से ही है, पर गैस। अभी तुरंत आराम के लिए पता क्या करो, अजवाइन पड़ी है घर पे, अजवाइन तवा लो, तवे पे थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा हींग और काला नमक भूनो। अच्छा। और उसकी फाकी मार लो गर्म पानी से। अच्छा। 5-10 मिनट में आराम मिल जाएगा अभी तुरंत, जितना भी गैस और अपच होती है। और दूसरा काम आप ये कर सकते हो, जैसे तेल लो सरसों का, उसमें थोड़ी सी अजवाइन और हींग डाल के भून लो, उसको अपने पेट पे ना गरम गरम तेल से मालिश कर लो। तेल में अजवाइन, सरसों का तेल लिया,
उसमें अजवाइन और हींग डाल के भून लो, उसको पेट पे ऐसे पूरा मालिश कर लो, तुरंत गैस भी पूरा पेट पे मालिश करके ऐसे उसको दबा दो, अच्छा। दो तीन बार गैस भी निकल जाएगा और जो बदहजमी हो रही है ना, दर्द हो रही है, वो खत्म हो जाएगी। सबसे आसान तरीका है, 5 मिनट में आराम मिलता है। अच्छा। हाँ, काला नमक अजवाइन, अच्छा। इसको भूनो और खा लो, थोड़ा सा हींग डाल के। हाँ, ऊपर से फिर क्या पीना, पानी या दूध? पानी, गरम पानी। हाँ, अभी तुरंत, जैसे फारा पड़ा हुआ, अभी पेट पे पूरा फारा पड़ रखा है आपके, तुरंत 5 मिनट में आराम मिलेगा। जितनी देर में मैं यहाँ बता रही हूँ, आप खा के मुझे बता दो कि इतना आराम है। अच्छा, इस पे मैंने ना बताया भी था, आप कुछ मत करो, कोलगेट से भी बढ़िया इलाज है। फिर भी एक कोलगेट तो आप लिख दे। मैं लिख दूंगी, ठीक है। सरसों का तेल, ठीक है, नमक और थोड़े से लौंग पीस के एक डिब्बी बना के रख लो, लौंग पीस के, लौंग का पाउडर बना लो, उसका जो है, और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लो और उसको सरसों की डिब्बी में बना के रख लो, जो पहले के टाइम में करते थे। नमक सरसों में मिला ले, सरसों के तेल ले लो एक डिब्बी में, उसमें नमक डाल लो और लौंग का पाउडर डाल लो। डेली सुबह उसको 2 मिनट उससे घिसना शुरू करो, जितना दांतों का पीलापन है वो चला जाएगा। ये कितनी कितनी मात्रा में लेना? मतलब आप जैसे 50 ml आपने सरसों का तेल ले लिया, या 20 ml, मतलब आपने 6 चम्मच ले लिया ना अगर सरसों का तेल, तो 1 चम्मच नमक डाल लो, 1 चम्मच और 1 चम्मच लौंग का पाउडर डाल लो, इससे घिसना शुरू करो। 6 चम्मच में एक चम्मच, ये इतना बढ़िया काम करता है ये। अभी ना जैसे जिनका भी कोलेस्ट्रॉल जैसे बड़ा होता है ना, आप इधर आ जाओ, मैं बताती हूँ आपको। तो उसमें आपने क्या करना है, बाजार से ना अर्जुन की छाल ले लो। लिया ही मैंने। लिया है? हाँ। अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना है, ठीक है, रात को भिगो के सुबह उसका काढ़ा उबाल लो, ठीक है। फिर उसका जब 1/4 पानी रह जाए उसको सुबह शाम पीना है। मैं वही पी रही हूं, तो मुझे भी किसी ने बताया था। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है अर्जुन की छाल से। और उसमें आप दूसरा काम ये कर सकते हो, जैसे आपके घर पे आप एक पाउडर बना के रख लो, उसमें जैसे सौंफ डाल लो, ठीक है, नहीं सौंफ, हरी वाली जो सौंफ आती है ना, हाँ, सौंफ को सिर्फ भून के उसका पाउडर बना लो, और उसमें थोड़ी सी हरड़, काली हरड़, बाजार से मिल जाएगी वो आपको, पंसारी से, उनका ना बराबर मात्रा में पाउडर बना लो, उसका 1/2 चम्मच रोज सोने से पहले गर्म पानी से ले लो। काला हरड़ होती है, हरा तो होता नहीं। काला हरड़, काली छोटी हरड़, हरड़ जो होती है ना छोटी हरड़, वो लेनी है। तो घर तो में जानते, आप तो जानते हो ना, हाँ, हमारे घर में है ना। हाँ, आपके तो पास है, तो आप मुझे वही दे देना, सौंफ मेरे पास में है। हाँ, उसका पाउडर बना लो, रोज सोने से पहले 1/2 चम्मच गुनगुने पानी से लेना है। सोने से पहले गुनगुने पानी से बराबर मात्रा में, बराबर मात्रा में पीस लो, तो जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है नॉर्मल हो जाएगा इससे। अभी फिलहाल तो मैं अर्जुन की छाल ही पी रही थी, उससे हो जाएगा। और उसके साथ ये तो घर पे ही बनाना है, ये और फायदा ही करेगा, तो अर्जुन के छाल के साथ ये लोगे तो ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। अर्जुन की छाल तो सुबह सुबह लेने लेने वासी। हाँ, खाली पेट, खाली पेट, और ये मतलब खाना पीना खाने के रात को। हाँ, छोटे जैसे मेरे आंखों से धुंधला धुंधला शक्ल जैसे धुंधली धुंधली दिखा रहती है। जांच कराई है आंखों की? नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं करा। तो आप पहले जांच कराओ, क्योंकि हो सकता है कि नजर कमजोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आप ना क्या कर सकते हो, नजर कमजोर है ना, तो उसमें आप घर पे एक मिक्सचर बना के रखो। अच्छा, ये आप लोगों को भी फायदा देगा, जैसे जिन भी लोगों की नजर कमजोर होती है, बच्चों की, काली बच्चों की भी, दो मैं लिखूं, बच्चों की भी, मेरी लड़की की कमजोर है, दूर की नजर कमजोर है। अच्छा देखो, किसी में भी नजर कमजोर होती है ना, आपने क्या करना है, 50 ग्राम काली मिर्च, बच्चों में भी आप देना शुरू करो ये, ठीक है, 50 ग्राम धागे वाली मिश्री, ठीक है, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम हरी सौंफ, ठीक है, इसको सारे को पाउडर बना के रख लो। हाँ, सारी चीजों का, जिनकी बच्चों की भी नजर कमजोर है या बड़ों में धुंधला बनाता है नजर कमजोर, ये जो पाउडर बनाया है इसे आपको 1 कप दूध में डाल के पीना है, दूध आप गुनगुना ले सकते हैं। जो धुंधलापन है, भारीपन है, नजर जोर पड़ता है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। तो जिनकी भी ये नजर कमजोर है आप सबको दे सकते हो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फोन उतार लें तो आप ले जाओ। हाँ, ये लो, फोन उतार ले, ठीक है। तो जिनकी भी नजर कमजोर है बहुत फायदा मिलेगा। मेरी लड़की की कमजोर है बड़ी वाली की, उसके दूर की नजर, उसको चश्मा लगवा। देखो, जिनको चश्मा लग रखा है ना, मेरी एक बात सुनो, अब सर्दी आने वाली है, सबको एक बच्चों को आंवला देना शुरू कर दो, कि एक आंवला रोज खाना है कमजोर नजर में, ठीक है। आंवला नजर को बढ़ाता है,
दूसरा ये देना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रही कि इससे चश्मा उतर जाएगा, पर जो नज़र उनकी और बढ़ रही है और जितनी है उससे कम होने लग जाएगा, ये इतना बढ़िया काम करता है। ठीक है, और इसके तो साथ में मेरे तो इनको दूसरा लिख के दे दो। नहीं, यही देना है।